डॉक्टर मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। डॉक्टर, हुकूकुल्ला और हुकूकुलाबाद के बारे में आम तासर ये है कि जो हुकूकुल्ला है उसकी तो माफ़ी हो जाएगी, लेकिन हुकूकुलाबाद जो है ना उसकी माफ़ी नहीं है, यानी उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है हमारी नज़र में। आम तासर ये है, ख़ासतौर पर जब आप किसी से नमाज़ की बात करते हो तो वो कहता है जी नमाज़ को छोड़ दें, आप हुकूकुल्ला जो है ना वो तो माफ़ी माफ़ है, हुकूकुलाबाद जो है ना उस पर ज़्यादा ज़ोर दें, मैं नेक काम कर रहा हूँ बस यही काफ़ी है, नमाज़ ज़रूरी नहीं है। इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताइए कि दीन क्या कहता है। असल में ये इस्तलाहात कोई शरीयत की अपनी कोई बुनियादी इस्तलाहात नहीं है, ये इफ़हाम व तफहीम के लिए लोगों को समझाने के लिए जो है ये तकसीम कर दी जाती है हुकूकुल्लाह और हुकूकुलाबाद। लेकिन ये कि अगर आप कोई भी हक़ुल अब्द है उसका तब तस्करा होगा तो वो भी हक़ुल्लाह क्यों है, अल्लाह ने वो हक़ मुकर्रर किया है। अगर ये हुकूक और इबाद का तसव्वुर भी आप अपनी तरफ से घर लेंगे तो वो कुफर हो जाएगा। अल्लाह ने आपको ये हक नहीं दिया है कि औलाद को खिलाओ चाहे हराम से खिलाओ, ये किसने दिया हक आप? हाँ, औलाद को आपने खिलाना है लेकिन जायज से, हलाल से। तो ये तो हकीकत, ये चीजें आपस में मिली जुली है। अब नमाज हक़ुल्लाह है, ज़कात अब कह दें ये हक़ुल इबाद है, नहीं भाई ये भी अल्लाह ने फर्ज की है, अल्लाह का हक है, इसीलिए उसके इनकार पर जो है कताल किया हजरत अबू बकर ने। हाँ, ये हम समझाने को कह सकते हैं कि ये बंदों के अंदर वो मोहताजों मिस्कीनों जो भी पीछे रह गए हैं माशी दौड़ में उनकी देखभाल के लिए ज़कात का मामला है, सदक़ात का मामला है, तो इफ़हाम व तफ़हीम के लिए तो ये इस्तलाहात इस्तेमाल हो सकती है। इसमें तो ये भी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है दो मरतबा एक ही सूरत में, सूरह निसा में, इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युशरक बिह व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला हरगिज़ माफ़ नहीं फरमाएगा इस बात को कि उसके साथ शिर्क किया जाए, उसके सिवा जो भी चीज़ें हैं जिसको चाहेगा माफ़ कर देगा। तो अब इसमें जो है बज़ाहिर को इसके अंदर फिर हक़ुल्लाह भी आ जाएगा, हक़ुल्लाह भी आ जाएगा बज़ाहिर। वैसे मेरे नज़दीक ये है कि इसको लाइसेंस नहीं समझ लेना चाहिए कि लाजमन बाकी जो किए जाओ गुनाह अल्लाह माफ़ कर देगा, इसलिए कि सिर्फ जो है वो जो शिर्क की उसने कहा है तो ठीक है, बोल तो ये कि शिर्क की ही अगर हकीकत को समझा जाए तो मालूम होता है कि हर गुनाह शिर्क बन जाता है। अगर आपने सदका दिया दिखावे के लिए तो शिर्क किया है, हदीस है। अगर आप नमाज पढ़ते हुए अपना सजदा लंबा कर रहे हैं कि कोई शख्स मुझे देख रहा है तो आप शिर्क कर रहे हैं। आप अगर 5 सेकंड का सजदा कर रहे थे जब देखा कोई मुझे देख रहा था आपने 7 सेकंड का कर दिया तो 2 सेकंड किसके लिए सजदा किया, हिसाब कर लीजिए, सीधा हिसाब मैथमेटिक्स से सिंपल। तो शिर्क भी अगर उसका पूरा तसव्वुफ सामने हो तो होश ठिकाने आ जाएंगे। कैसे अब्दुल दीनार अब्दुल दिरहम, हलाक हो जाए दिरहम और दीनार का बंदा जिसने दौलत को अपना माबूद बना लिया है कि दौलत जरूर हासिल करनी चाहे हराम से, वो तो दौलत माबूद हो गई। क्या फर्क है आप में और हिंदुओं में? हिंदू जो है वो लक्ष्मी बाई जो है या लक्ष्मी देवी उसकी पूजा क्यों करता है? वो दौलत की देवी है, दौलत देगी ये। आपने कहा हटाओ बीच में से देवी को, हम दौलत को पूछते हैं, खुद बराह रास्त दफा करो देवी को, इतना ही तो तौहीद है ना आपकी। क्या वो आप देवी को नहीं पूछते, दौलत को पूछते? अगर दौलत के माने में हराम और हलाल की तमीज उठ गई तो दौलत आपका माबूद है। और हुजूर फरमा रहे हैं तय साहब दो दीनार अब्दुल दिरहम, हलाक और बर्बाद हो जाए दिरहम और दीनार का बंदा, नाम है अब्दुल रहमान है अब्दुल दीनार। ये सारी चीजें हैं, इनको उस हवाले से समझ लीजिए, वो आर्बिट्रेरी समझाने के लिए वाद व नसीहत के लिए ये कर दिए जाते हैं, वरना ये कि गुनाह तो सब गुनाह है, वो हुकूकुल इबाद में आए या हुकूकुल्लाह में आए। और सबसे बड़ा गुनाह मैंने आपको बताया, दोबारा बता रहा हूं, सबसे बड़ा गुनाह एक गैर इस्लामी निजाम के तहत जिंदगी गुजारना। अगर आपने पैसिवली उसके खिलाफ कोई जिद्दोजहद आप नहीं कर रहे तो आपका हर सांस जो है वो हराम है। सांस लो, सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कार गए शीशा गरी का, ये हर सांस हराम है, शिर्क है ये, आवाम की हाकमियत। और इससे बड़ी जंग कोई नहीं अल्लाह के खिलाफ, सूदी कारोबार सारा, हमारे सारे माशी निजाम के अंदर सूद और जुआ ताने बाने के तरीके से, ये जुआ होता है ना स्टॉक मार्केट में, एकदम नीचे एकदम ऊपर, ये दुनिया का वो निजाम है जाहिलाना। तो इस एतबार से मेरे नज़दीक तो
وہ جو گناہ اور حلال اور حرام کا تصور ہے وہ بہت مختلف ہے. ایک شخص سور کھا رہا ہے, چھی 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 سور 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 سور. ایک شخص بکری کا گوشت کھا رہا ہے لیکن اس کو خریدا تھا, اس نے کسی کی جیب کاٹ کر کیا کھا رہا ہے, وہ حلال کے حرام. سمجھ میں آیا؟ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.